जॉर्डन सुमित बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सभी कुछ बताऊंगा कि जो भी मैं अपनी डाइट में लेता हूँ, जो भी अब मेरा जो मेन डाइट है, जो गेनिंग का डाइट है, वो सब कुछ बताऊंगा। जो भी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे अपने मैक्रो माइक्रो कार्ब्स के लिए क्या क्या लेना होता है, प्रोटीन्स के लिए। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई भी मास गेनर वगैरह प्रोटीन वे प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं सब कुछ नेचुरल रखना चाहता हूं। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या खाना है, क्या क्या अपनी डाइट पे लेना है, तो शुरू करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डाइट है प्रॉपर रहेगी, कि मेरे को मतलब कोई कंपटीशन वगैरह तो खेलना नहीं है हमें बॉडी बिल्डिंग का। हमें एक टाइप से ऐसी फिजिक बनानी है कि ताकि हम मतलब कि बढ़िया लगे, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, कि कपड़े वगैरह जब पहने यार वो ढीले ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी वेट गेन करना चाहते हैं या फिर मसल ग्रो करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें प्रोटीन। प्रोटीन के बिना हमारा कोई भी मसल ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर आप लोग कैलोरी सरप्लस में नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग का वेट कभी भी गेन नहीं होगा, ना ही कोई मसल गेन होगा। तो गाइस, आप लोग नोट कर लीजिए कि सबसे पहले हमें प्रोटीन का जो इंटेक है वो मेंटेन रखना है। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को जो अगर प्रोटीन, बॉडी का प्रोटीन किस कितना क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि आप लोगों का वेट, जैसे कि मान लो कि मेरे वेट 60 है, तो मेरे को मिनिमम अगर मेरे को कोई मसल मास या बॉडी वेट गेन करना है, तो मेरे को अपना बॉडी वेट का डबल डेली प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। तो गाइस, आप लोग अगर वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले आपका जो स्टेप रहेगा, वो आप लोगों को अपनी कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैलोरी काउंटर जो है माई फिटनेस पाल, एक बहुत बड़ी ऐप है जिससे जो फ्री है और आप लोग इजिली अपनी कैलोरीज काउंट कर पाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करता हूं। मैं बता देता हूं कि जो जो अच्छे अच्छे चीजें और जो बजट में है प्रोटीन के लिए, कार्ब्स के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फर्स्ट नंबर पे जो अपने पास आता है, सबसे पहले आते हैं, वो आता है एग्स। गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एग्स तो इजिली अवेलेबल होते हैं पूरे मार्केट में, आप लोगों के पास हर जगह ये एग्स मिल जाएंगे। एक प्रॉपर एग में जो अपना एक होल एग में जो मिलता है हमें 6 to 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो आप लोग एक दिन में अराउंड 4 to 8 एग्स खा सकते हैं अगर आप लोगों को मसल प्रॉपर बिल्ड करना है। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर एग जो है इजिली अवेलेबल है, आप ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं, आपको आप इसको पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट दोनों में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन और थोड़ा सा कार्ब्स भी मिलता है इससे। गाइस, सेकेंड नंबर पे जो अपने पास आ जाता है, वो आता है अपना पीनट बटर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विल हेल्प यू टू ग्रो योर मसल। गाइस, ये जो आप लोगों को ये पीनट बटर है, इजिली मार्केट में अवेलेबल है, हर जगह मिल सकता है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 300 का 100 ग्राम्स ऑफ सर्विंग में इसको हमारा 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप लोग ये क्रीमी वाला लेते हैं, तो इसमें ज्यादा प्रोटीन रहता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग जब भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, तो ब्रेड के साथ इसे ले सकते हैं। आप लोग इसको दिन में 4 times खाएं, डाइट में ऐड करें। एक बार प्री वर्कआउट में भी खा सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में भी खा लीजिए, और आप लोग जब भी जैसे कि इवनिंग में स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। गाइस, थर्ड हमारे पास जो आता है, वो अपने पास आते हैं ब्राउन ब्रेड। गाइस, अगर आप लोग जैसे कि जनरल लेके सभी लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड जम खा रहे हैं, तो आप उसके साथ ब्राउन ब्रेड के साथ अपना पीनट बटर लगा के उस पर अच्छे से बटरिंग वगैरह करके सो खा सकते हैं, और उससे आपका जो मसल बिल्डिंग में काफी हेल्प करेगा और आपका कैलोरीज जो है, कैलोरीज काउंट काफी बढ़ाएगा, कैलोरीज सरप्लस में करने में बहुत इजी रहेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये प्रोटीन के लिए अपना पीनट बटर, एग्स आ गए हैं। और गाइस, जो अपने पास थर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप लोगों को बहुत एनर्जी देगा और कार्ब्स भी देगा, और ये हर जगह इजिली अवेलेबल है। आप लोगों में से काफी सारे लोग जो है दलिया वगैरह खाते होंगे, नॉर्मल दलिया खाते हैं, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यार ये क्वेकर ओट्स जो आता है सबसे बेस्ट रहता है। ये कितना है अपना, 190 का 1 kg मिलता है यार, ये काफी अच्छा रहता है और टेस्टी भी है। आप लोग इसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, आफ्टर वर्कआउट, अपने पोस्ट वर्कआउट में ऐड करके आप लोग खुद ही अगर आपको वेट गेन करना है, तो ये आपके लिए बहुत वन ऑफ द स्पेशल और जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इजी है और काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप लोग इसे डाइट में जरूर ऐड करिए। मैं इसे डेली खाता हूँ, अबाउट 2 bowls डेली मैं इसको इंटेक करता हूँ। जब फोर्थ आता है, वो आप लोगों को पता ही है, बनाना।
तो गाइज आप लोग अगर बनाना को सोचते हैं कि ये कमज़ोर है, तो यार बनाना ज़रूर डाइट में लीजिए। आप इसको आप प्री वर्कआउट में लेके जाएंगे, प्री वर्कआउट में अगर आप दो बनाना भी खा लेंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एनर्जाइज हो जाएगी, फुल ऑफ एनर्जी रहेगी और आप अच्छे से अपना वर्कआउट हिट कर सकते हैं। इंटेंस वर्कआउट भी काफ़ी ईजिली हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हॉस्टल्स वाले होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, स्टूडेंट में वो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते, तो उनके पास यार प्रॉपर रुपीज़ वगैरह भी नहीं होते। सजेस्ट करूँगा कि भाई लोग, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ अस आर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास फैमिली यार, तो फिर हम लोग जो है बनाना खा सकते हैं यार, इतना सब कुछ है। ये बहुत अंडर आराम से आपका 1500 to 1400 आपका 2 months का आराम से एक आ जाएगा। 2 months के लिए आप इजिली इसको अफोर्ड, इतना तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। कैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग जो एक स्पोर्ट है, एक सबसे जो सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, आपको इसमें अपना बिल्कुल डिसिप्लिन, अपना डाइट चार्ट प्रॉपर सब कुछ एक डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यार, अच्छे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं वो भी खेलिए और ये भी ट्राई करिए। और जरूरी नहीं है कि हमें अपना वे प्रोटीन लेना है, मास गेनर लेना है, BCA डबल ए सब कुछ लेना है। मैं बोलूंगा कि आप ले सकते हैं यार, पर जो अपना जितना आपका बजट होगा उतना ही तो अर्न करोगे, उतना ही तो आप अपना बॉडी में खाओगे यार, उतना ही तो आप स्पेंड करोगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यार ये जो मैंने बताया, ये जितनी भी चीज़ें बताई, उन चीज़ों को अपने डाइट में स्टार्ट करिए लेना और आप अच्छे से देखेंगे गेनिंग रिजल्ट्स रहेंगे, आप मसल्स मास जो आपका बढ़ने लगेगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि यार मैं तो कोई वे प्रोटीन वगैरह मास गेनर वगैरह कुछ नहीं लेता, मैं बिल्कुल नेचुरल यार अपना सब्जी वगैरह अंडे वगैरह खा लेता हूं। और अब अपने पास जो आता है फिफ्थ आता है वो आता है अपना मिल्क। गाइस आप लोग समझ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, मिल्क जो है इतना यूजफुल है, आप लोग उसको इग्नोर मत करिए। जब भी आपको अगर लेना है तो जरूर लिए, डाइट में जरूर उसको स्टार्ट कर दीजिए लेना यार। अबाउट 2 glasses ऑफ मिल्क जरूर लिए, वो आपको कैल्शियम और प्रोटीन में काफ़ी हेल्प करेगा बॉडी के लिए। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और गाइस जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं, जॉर्डन सुमित, और मैं कभी कभी एक छोटा सा Q&A भी कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह फिटनेस रिलेटेड जो भी क्वेरी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।